साहब, अभी किन्नौर के अंदर में एफआरए के तहत जो है लोगों को भूमि मिलना है, दो दो कंडीशन पर भूमि मिल रहा है। एक तो जो आपका जवाबंदी के दौरान का जो कब्जा है उसका मिलना है, और दूसरा 50 रुपये का जो फॉर्म है उस पर मिलना है, 2005 के पहले के जो केस है उस पर मिलना है। तो आप इस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया करेंगे? मैं कहता हूँ जी, पहले बंदोबस्त के बाद अभी भी हमको क्लेम नहीं मिला है। मकान गिरे हैं, प्रोडक्ट से इसे गिरे, अभी क्लेम नहीं लाए। मैं MLA साहब से निगी से बात किया है, भगत सिंह नेगी से, तो मैंने कहा मोटर निकालो, और जहाँ नाम पर नहीं है वहाँ मुआवजा नहीं मिला। हमारे इंचार्ज में जो है तो ग्राजे में रोडचनिंग जो हमारी जगह है उस मतलब शामनाथी जगह में हमको मुआवजा मिला था। अब नाथपा जिला में भी और मकान गिर रहे हैं तो वहाँ पर हमको मुआवजा नहीं मिला, मकान क्षति हो रही है। बोले आपका नाम पर नहीं है, ऐसा क्यों? दूसरी बात अभी री करो दोबारा, हमको मौजा भी नहीं मिला और यहाँ पर अभी नाम पर नहीं कर रहे जी। हम यहाँ पर हम जो है एफआरए के तहत जो है जमीन मिलना है उस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे? आपके वहाँ एफआरए की टीम गठित हुई है नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, लेकिन अभी निकालो। मेरे का BJP सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, तो जो यूनिवर्सिटी है वो भी निकालो, 2005 के पहले का उसको सेंक्शन कराओ, और जिसका पेंडिंग पड़ा है उसको 900 दो, और कितने परसेंट तक 25 बीघा या 20 बीघा जो भी है उसको क्लियर करो और निकालो, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस ही हो। हा?